सर, जो आपने 15 दिन पहले आपने बोला हुआ था कि 15 दिन के अंदर आप सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे, सुहानपुर पे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध आपने क्या आज मैं 15 दिन पहले जो मैंने सुजानपुर अस्पताल का दौरा किया था और लगभग 10 डॉक्टरों के पद खाली पड़े थे, उसके बाद मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से व्यक्तिगत तौर पर मिला हूँ और मैंने उनको सुजानपुर की जो समस्या है उसे अवगत करवाया है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया था कि जल्दी ही आपके क्षेत्र में डॉक्टरों के जो पद हैं वो उनको भरा जाएगा। वो भी मैं 2-4 दिन में फिर उनसे मिलने वाला हूँ और फिर से बात करने वाला हूँ। सरकार अगर नहीं मानती है, नहीं पद भरती है, लोगों की समस्याओं को हल नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी रैली करके प्रदर्शन भी किया जाएगा और सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और सरकार का पूरा पूरा जोर विरोध है कि जनता ने 5 वर्ष जो है वो स्वर्णिम दौर देखा है, जब सुजैनपुर में विकास जो है पूरे प्रदेश में सबसे तेज गति से सुजैनपुर में हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जो है वो हारे हैं और यही कारण है कि कुछ कामों को रोकने की हारे हुए लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस बात को हम निश्चित तौर पर जो है इसको जनता के बीच में लेके जाएंगे, सरकार से इस मामले को उठाएंगे और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रोकने की कोशिश हुई थी उनको हमने शुरू करवा दिया है और जो बाकी के बचे हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी शुरू कराने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और शुरू करवाएंगे, क्योंकि सुजानपुर की जनता ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिए है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ से पराजय मिली है तो यहाँ पर जो जितने काम विकास के हुए थे लोगों ने विकास के नाम जो है यहाँ पर जो है अपना जो है जनादेश दिया है। ये फैसला जो है कांग्रेस हाई कमान करती है कि कौन कैंडिडेट होगा, पर जो भी कैंडिडेट होगा वो सशक्त होगा और ये भी निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये पत्थर पे लकीर है कि इस बार हमीरपुर पार्लियामेंट से जो कैंडिडेट लोकसभा का होगा वो कांग्रेस का जीतेगा और यहाँ से पर जीत जो है कांग्रेस के कैंडिडेट की ही होगी, क्योंकि पूरे देश में आज की डेट में 4 वर्ष जो हैं वो केंद्र में मोदी सरकार को हो गए और मोदी सरकार ने महंगाई के नाम पर जो है धीरे धीरे इतना जहर लोगों में दे दिया है कि उस जहर का असर जो है आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ कि आज 12-13 दिन हो गए लगातार रोज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो है पूरी चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं और लोग जो है महंगाई से तंग हैं। विकास के काम केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हुए नहीं और अच्छे दिन के वायदे दिखाकर इन्होंने देश की जनता को जो है घुमराह किया। आज भी कई चैनल दिखा रहे थे कि पिछले 4 सालों में डीजल और पेट्रोल फ्यूल के नाम पर जो है देश की जनता को किस तरीके से लूटा गया है, जब हर आइटम पे GST जो है वो सरकार लगा रही है तो इंडस्ट्री भी कह रहे हैं, आम आदमी भी कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल पे GST क्यों नहीं लगाया जा रहा है। सरकार लगाए, GST लगाए और हाईएस्ट रेट लगाए, 2.5% हाईएस्ट स्लैब है, 2.5% लगा दे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, परंतु GST इस आइटम पर ना लगा है वो नगर परिषद के नाम ट्रांसफर करा दी गई है और इसका मैंने फाउंडेशन भी किया था और यहाँ की जो नगर परिषद है उसकी नाकामियों की वजह से जो है खोखे नहीं पड़ रहे हैं। जो नगर परिषद है ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, गरीब आदमी के प्रति ये जो संवेदनशील नहीं है और ये नगर परिषद की जिम्मेवारी थी कि इनको खोखों को तैयार करते, लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, परंतु उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ है और इसके लिए पूरी तरह जो है नगर परिषद। इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ रहा है, अंततः बस अड्डा तो कहीं बनाना पड़ेगा, परंतु हमने ये कहा था कि लोकल बस स्टैंड यही रहे, बसें आएँ, सवारियाँ उठाएँ और यहाँ से थोड़ी देर खड़ी होकर चले जाएँ और उसके लिए जो लंबा समय बसें खड़ी होती हैं उनके लिए अपने डोली में जो है लैंड भी ट्रांसफ़र करा दी गई है, वो वर्तमान सरकार इसको जो है लैंड ट्रांसफ़र हो गई है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, उसको कंप्लीट करें। हमने तो यहाँ पर HRTC का एक नया डिपो सुजैनपुर को मिले उसके लिए भी डिमांड सही सरकार से रखी है, ये सरकार पूरा करेगी तो ठीक है, नहीं तो 4 साल बाद हमारी सरकार आएगी, हम निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर डिपो भी लेके आएंगे और बसों को लंबे समय जो बसें यहाँ पर खड़ी होती हैं उनके लिए खड़ी होने के लिए भी जगह बनाएंगे। सर, जो जो पैसा कांग्रेस सरकार में चाहे वो टाउन हॉल के लिए था, सामुदायिक भवन के लिए सेंक्शन होना था पैसा, वो नहीं काम कार्य अमल में देखा जा रहा है, जिसे आपने जोरों शोरों से भी बोला हुआ था कि कार्य शुरू होगा, लोगों को शुभ सुविधाएं मिलेंगी, परंतु आज तक कुछ भी उसकी फाइल आगे तक नहीं बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बदले की
भावना से काम कर रही है और सुजैनपुर में इसके लिए टाउन हॉल के लिए पैसा स्वीकृत करवाया गया है। 75 लाख रुपए की कांग्रेस के समय इंस्टॉलमेंट भी आ गई थी। यहाँ पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बननी है सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, उसके लिए पैसा स्वीकृत है, फाउंडेशन हो गया, वो भी काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो आपका वेटरनरी ब्लॉक का वेटरनरी हॉस्पिटल है उसमें भी काम शुरू नहीं हुआ और हमने इस मामले को टेकअप भी किया है। सरकार कोशिश कर रही है कि सुजैनपुर में विकास के कामों को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला जाए, परंतु हम इनको ठंडे बस्ते में डलने देने वाले नहीं हैं। हम इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे और सारे के सारे काम शुरू करेंगे।